हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x, x फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। द डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ द राइट f'0 प्लस इज इक्वल टू एंड द डेरिवेटिव फ्रॉम द लेफ्ट f'0 माइनस इज इक्वल टू। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में कुल मिलाकर के राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट, तो इसमें हमें एलएचडी का फॉर्मूला देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका क्या होता है? ये होता है एफ डैश सी माइनस, ऐसे सी पॉइंट के लिए देख रहे हैं तो सी पॉइंट पर क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एफ सी माइनस एच और अपॉन में एच, ये होता है एल एच डी। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, इसे हम लिखते हैं एफ डैश सी प्लस सी, सी पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं तो सी प्लस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ हो जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी और अपॉन में एच, ये हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे जीरो पर निकालनी है, तो जीरो पे निकालते हैं यानी कि सी की जगह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले आर एस टी निकाल लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि हो जाएगा एफ डैश जीरो प्लस जीरो पर निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये इसका है लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ से एफ सी प्लस एच, तो क्या हो जाएगा एफ जीरो प्लस एच और माइनस का एफ जीरो और अपॉन में h, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो सॉरी f h, ये यहां से हो जाएगा f h माइनस का f जीरो और अपॉन में h। तो हमें फंक्शन क्या दे रखा है, ये दे रखा है x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x, तो यहाँ पे हम x की जगह h पुट कर देंगे f h में, तो ये हो जाएगा f डैश जीरो प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन h और माइनस का जीरो, क्योंकि f जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो है, जीरो वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है और ये अपॉन में h, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, तो यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन h। तो अब हम लिमिट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से f डैश जीरो प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी कि e टू द पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो अभी इन्फिनिटी रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, ये 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारी f डैश 0 प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 आ गई है। अब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ डैश जीरो माइनस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये होता है एफ सी माइनस का एफ सी माइनस एच, तो ये हो जाएगा एफ जीरो और माइनस का एफ सी माइनस एच, तो हम सी की जगह जीरो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा एफ माइनस एच हो जाएगा और अपॉन में एच। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू जीरो इसकी वैल्यू हो जाएगी f जीरो की, तो जीरो हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, इसमें हम यहाँ पे माइनस h हो जाएगा, ये जो हमारा फंक्शन दे रखा है x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस h पुट करेंगे तो माइनस h प्लस माइनस h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h, माइनस h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h और पूरे का h, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से एच एच कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारा एफ टेंस जीरो माइनस कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हमारा बनेगा वन अपॉन वन प्लस ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन एच, ये बनेगा। तो अब हम यहाँ से लिमिट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट यूज करने के बाद एफ टेंस जीरो माइनस इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन जीरो, तो कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा वन अपॉन जीरो, और किसी की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो के इक्वल होती है, तो यहाँ से e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो f टेस्ट जीरो माइनस कितना आ जाएगा वन अपॉन वन इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से हमारी f टेस्ट जीरो माइनस की वैल्यू आ गई है वन, तो यहाँ से हम लिख देते हैं ये वन आ गया, तो ये हमारे आंसर हो गए। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।